सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में सोने और चांदी का भाव क्या हो सकता है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और रोजाना सोने और चांदी के भाव को जानने के लिए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सोने की कीमतों पर नजर डाले तो पिछले कुछ दिनों से दोनों कीमती धातु में उतार चढ़ाव देखा गया है। हालांकि सोने को छोड़कर चांदी के भाव में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी दे दी है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि लंबी अवधि के लिए हमेशा सोना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोना हमेशा लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है। अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी की बात करें या फिर भारत की बात करें तो अभी भी महामारी के मामले ज्यादा है। ऐसे में सोने और चांदी में लंबी अवधि में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करना चाहते हो या सोने में निवेश करना चाहते हो तो अभी भी सोने का भाव 9,000 रुपए तक सस्ता है। कारोबारियों के मुताबिक इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता अभी दूर नहीं हो पाई है। महंगाई को लेकर भी कर्सन बना हुआ है। दूसरी ओर ग्लोबल बाजार वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही महंगे है। लगातार रैली के बाद कुछ दिनों के लिए इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स भी कमजोर है। जैसे जैसे बाजार खुल रहे हैं सोने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में लंबी अवधि के लिए सोने का आउटलुक बहुत ही मजबूत है। अभी भारत में सोने का भाव 47,000 के आंकड़े पर पहुंच चुका है, लेकिन जल्द ही सोने का भाव 50,000 के आंकड़े को पार कर सकता है।